उसी में से क्वेश्चन दिए गए हैं। तो करना आपको ये है कि जैसे आपके पास लिंक जाएंगे, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने कॉपी में लिखना है, जैसे जैसे बताया जाएगा वैसे वैसे लिखना है और सेंड कर देना है। नाउ वी डिस्कस अबाउट दी फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए बस ट्रैवल्स 54 किलोमीटर। ए बस ट्रैवल 54 किलोमीटर इन 90 मिनट। 90 मिनट में बस ट्रैवल कर रहा है 54 किलोमीटर। तो आपको यहाँ पे क्या है, किलोमीटर है, 90 मिनट है। द स्पीड ऑफ द बस इज, स्पीड ऑफ द बस इज, स्पीड क्या होगा बस का वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपका 0.6 मीटर पर सेकेंड। बी ऑप्शन दिया है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। सी ऑप्शन दिया है 5.4 मीटर पर सेकेंड। नाउ द लास्ट ऑप्शन इज 3.6 मीटर पर सेकेंड। ये चार ऑप्शंस आपके दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर्स टाइम विथ द मोस्ट एक्यूरेसी। इसमें से आपको ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन दिया आपका सनडायल इज द फर्स्ट ऑप्शन। सैंड क्लॉक इज द सेकेंड ऑप्शन। सैंड क्लॉक आपका सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन हम लोग लेंगे क्वार्ज क्लॉक। एंड डी में हम लोग लेंगे मैकेनिकल क्लॉक विथ गियर्स। मैकेनिकल क्लॉक विथ गियर्स, ठीक है। तो ये होगी आपका एक्यूरेसी, मोस्ट एक्यूरेसी, यहाँ पे वर्ड पे आप ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री हम लोग डिस्कस करेंगे द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज, बेसिक यूनिट क्या है स्पीड का वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन किलोमीटर पर मिनट। बी ऑप्शन आप ले सकते हो मीटर पर मिनट। और सी ऑप्शन हम लेंगे किलोमीटर पर आवर। एंड डी लेंगे नन ऑफ दीज, मतलब इसमें से कोई भी नहीं, ठीक है। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज 36 किलोमीटर पर आवर कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। 36 किलोमीटर पर आवर कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, कैसे इसको एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं पहला 10 मीटर पर सेकेंड। ए ऑप्शन इज 10 मीटर पर सेकेंड। बी ऑप्शन इज 3.6 मीटर पर सेकेंड। थर्ड ऑप्शन हम ले सकते हैं 100 मीटर, ए बी एंड सी 100 मीटर पर सेकेंड। एंड डी ले सकते हैं नन ऑफ दिस का मतलब है इस ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे हम लोग। फास्टर मूविंग ऑब्जेक्ट फास्टर मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स ऑप्शन नंबर 1। ये ऑप्शन में लिखेंगे हम लोग लेस डिस्टेंस इन मोर टाइम। बी ऑप्शन लेंगे
ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इज मोर डिस्टेंस इन मोर टाइम, मोर डिस्टेंस इन मोर टाइम। ऑप्शन नंबर सी लेंगे, लेस डिस्टेंस इन शॉर्टर टाइम, लेस डिस्टेंस इन शॉर्टर टाइम, ये होगी ऑप्शन नंबर सी। नाउ ऑप्शन नंबर डी इज मोर डिस्टेंस इन More distance in shorter time. More distance in shorter time. ठीक है, तो ये चार ऑप्शन हो गए क्वेश्चन नंबर फाइव के। तो ये चार ऑप्शन हो गए आपके क्वेश्चन नंबर फाइव के। नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर सिक्स। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर वन लीनियर मोशन, B is rectilinear motion, C is A and B both, मतलब A and B दोनों सही हैं, C ऑप्शन में आपका बोल रहा है, and D is periodic motion. ठीक है, तो होगी आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स। नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर सेवन। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर सेवन? द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन, ए ऑप्शन, बी इज रेक्टिलिनियर मोशन, सी इज बोथ एंड डी इज नन ऑफ दीज। तो ये चार ऑप्शंस आपके हो गए क्वेश्चन नंबर सेवन के। क्वेश्चन नंबर एट हम लिखेंगे, इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन keeps changing its speed is called, उसको क्या बोलेंगे ये हमको बताना। द मोशन इज सेड टू बी The motion called uniform motion is the A option. B option लिखेंगे हम लोग non-uniform motion, C option is His object is said to be stationary, constant लिख सकते हैं, and D is none of this. ठीक है,
नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9, द मोशन ऑफ ए रनिंग हैंड, द मोशन ऑफ ए रनिंग हैंड, मोशन ऑफ ए रनिंग हैंड इज एन एग्जाम्पल, इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन नंबर 1 यूनिफॉर्म मोशन, बी इज पीरियोडिक मोशन, सी इज सर्कुलर मोशन, सी ऑप्शन इज सर्कुलर मोशन, एंड डी इज नन ऑफ दीज। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10, द फॉर्मूला ऑफ, फॉर्मूला ऑफ स्पीड, स्पीड बराबर ऑप्शन नंबर 1 डिस्टेंस बाय टाइम, ऑप्शन नंबर बी स्पीड बराबर टाइम बाय डिस्टेंस, सी बराबर बोथ, एंड डी इज नन ऑफ दिस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीटेड। द मेटेलिक बॉल इन अ पेंडुलम, मेटेलिक बॉल इन अ पेंडुलम इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर 1 बॉब, ऑप्शन नंबर बी रॉड, ऑप्शन नंबर सी फॉर्क, ऑप्शन नंबर डी बॉल। ओके, नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 12। द मोशन ऑफ ए फैन, द मोशन ऑफ ए फैन इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर ए सर्कुलर मोशन, ऑप्शन नंबर बी रोटेशनल मोशन, ऑप्शन नंबर सी लीनियर मोशन, ऑप्शन नंबर डी none of this. Now question number 12 is completed. We discuss the question number 13. Motion of a pendulum is an example of a periodic motion, B is circular motion, C is linear motion, D is rectilinear motion.
मोशन। ओके नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज द मीटर, द मीटर दैट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ कार। ऑप्शन नंबर ए स्पीडो मीटर, ऑप्शन नंबर बी ओडो मीटर, ऑप्शन नंबर वन इज स्पीडो मीटर, ऑप्शन नंबर वन इज स्पीडो मीटर, ऑप्शन नंबर बी दैट इज ऑल्सो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर सेकेंड दैट इज ओडो मीटर, ऑप्शन नंबर सी इज बोथ एंड ऑप्शन नंबर डी इज कैलोरोमीटर, कैलोमीटर। ओके नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 लिखेंगे मोशन ऑफ ए बाइसाइकिल व्हील, मोशन ऑफ ए बाइसाइकिल व्हील इज अ ऑप्शन नंबर वन सर्कुलर मोशन, बी इज लीनियर मोशन, ऑप्शन नंबर सी इज बोथ एंड डी इज रोटेशनल मोशन। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज वन डे इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए 24 आवर, बी इज 12 आवर, सी इज 36 आवर एंड डी इज 48 आवर। वन डे इक्वल टू। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 17। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 18। करेक्ट मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, करेक्ट मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय ऑप्शन नंबर ए मेजरिंग टेप, ऑप्शन नंबर बी फुट स्टेप, ऑप्शन नंबर सी बोथ, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। Now we discuss the question number 19. What is question number 19?
द मोशन ऑफ ए द मोशन ऑफ ए चाइल्ड मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन अ सर्किल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन बी रेक्टिलिनियर मोशन सी बोथ एंड डी नन नाउ क्वेश्चन नंबर 20 द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल्स ऑब्जर्व्ड बाय ऑप्शन नंबर ए स्पीडोमीटर बी ओडोमीटर सी बोथ एंड डी पोटोमीटर क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 इज In a graph, the vertical line is called option number A, x-axis, B y-axis, C option is both, and D is none. Question number 22. In a graph, the horizontal line in a graph the horizontal line is called in a graph the horizontal line is called option number 1 x axis option number b y axis option number c both and D option is Z axis. Question number 23. Change of change of object or motion of object, movement of object. Change of object, movement of object with time with time is called A option is motion, B option is force, C option is both, D is none. Okay, there are four options of the question number 23. Question number 24.
ऑब्जर्व्ड मोशन ऑफ पेंडुलम, हु ऑब्जर्व्ड मोशन ऑफ पेंडुलम फर्स्ट टाइम, ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो, ऑप्शन नंबर बी गैलीलियो, ऑप्शन नंबर सी गेल, ऑप्शन नंबर डी गैली। नाउ वी डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एग्जामिनेशन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। लास्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा इजी रखेंगे। मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन ए ब्रिज इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेट लाइन मोशन, बी सर्कुलर मोशन, सी बोथ, एंड डी नन। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। देर आर ओनली 25 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, मीन्स टोटल मार्क्स जो है आपका 50 का, मीन्स आउट ऑफ 50 आपको गेन करना है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स। अपना 100% दीजिए, ये सब पढ़ाया हुआ है, और कोई इसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको आंसर क्लिक के सेंड कर देना है। एंड अपने सारे परफॉर्मेंस, अपने पढ़ाई को रिकॉल करके एग्ज़ाम देना है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जितना बार आप रिवाइज़ कियोगे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द एग्जामिनेशन।